हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आरजी क्राफ्ट गैलरी। दिस इज़ रिचा। आज के वीडियो में हमने एक सेरेमिक मग लिया है, इसके ऊपर हम लोग डिकोपाज आर्ट करेंगे। सो अपनी चॉइस का कोई भी टिश्यू आप लेके उसको मेजर करेंगे। मेजर करने के बाद हम अपना टिश्यू कट करेंगे, बट हमें शार्प एजेस नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर एक ब्रश और वाटर की हेल्प से हम आउटलाइन बनाएंगे और हल्के हाथों से अपने टिश्यू को कट करेंगे। नीचे का जो बॉर्डर है वो मैंने सीज़र से कट किया है, बिकॉज हमें बॉटम पे एकदम क्लीन एंड शार्प एजेस चाहिए। हम जो मग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उस पे मैंने ऑलरेडी एक बेस कोट दिया है, वाइट एक्रेलिक कलर से एक सिंगल कोट कट दिया है। उसके बाद हम टिश्यू के डिकोबाज टिश्यू के पीछे जो पेपर होता है उसको रिमूव करेंगे। जनरली एक या दो लेयर्स होती हैं, आप चेक कर सकते हैं आपके टिश्यू पे कितनी लेयर हैं। देन वील स्टार्ट पेस्टिंग आर टिश्यू विद द हेल्प ऑफ फेविकॉल एंड वाटर मिक्सचर। बहुत हल्के हाथों से रिंकल्स रिमूव करते हुए हम अपना टिश्यू मग पे पेस्ट करेंगे। टिश्यू कम्प्लीटली पेस्ट होने के बाद हम ऊपर से भी फेविकॉल एंड वाटर मिक्सचर का एक कोट देंगे। मग पे ऊपर की साइड अगर एक्सेस टिश्यू रह जाता है तो उसको सैंड पेपर या फाइलर की हेल्प से फाइल कर देंगे। तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स आफ्टर ड्राइंग। अब हम इस पर लिटिल बर्डी का डिकोर वार्निश है ग्लॉस फिनिश में, उसका एक कोट देंगे टू सील आर आर्टवर्क प्रॉपरली। दिस इज द फाइनल लुक गाइज, आफ्टर एवरीथिंग इज कम्प्लीटली ड्राई। That's it for today's video. Thank you so much for watching and I'll see you all in the next video.